अध्यात्म चिंतन धारा इस यूट्यूब चैनल पर सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के साथ हम जिस आध्यात्मिक चर्चा का इस चैनल पर प्रसारण करते हैं उसका आज नवा अंक है। आज के इस अंक में हम गुरुजी के साथ भगवत शरणागति और कर्मफल बंधन को लेकर बात करने वाले हैं। गुरुजी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आइए उनके स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हरिओम। आज के अंक के लिए हमारा प्रश्न है कि क्या भगवत शरणागति कर्म फल के बंधन को शिथिल कर सकती है, पाप कर्म से मुक्त कर सकती है, और यदि ऐसा है तो वह शरणागति कैसी चाहिए, उसका स्वरूप क्या है, इसके संबंध में हम सबका मार्गदर्शन करें आदरणीय गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भैया जी, आपने आज जो प्रश्न किया है ये प्रश्न बहुत सुंदर है। भगवान अगर कर्म सिद्धांत को बना करके और उस कर्म के चक्र से निकलने के लिए जीव के लिए कोई रास्ता न छोड़े तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि भगवान ने जीव को कर्म का बंदी बना रखा है। भगवान किसी को बंदी नहीं बनाते। इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर कि क्या कर्म से छूटने का कोई उपाय है, भगवत गीता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में अर्जुन से कहा, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। समस्त आश्रयों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा। जिस जिस का जीव को भरोसा है उसका भरोसा छोड़ करके अगर जीव भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम त्वाम सर्व पापीभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं ऐसे जीव को सभी पापों से मुक्त कर देता हूं। भगवान का स्पष्ट वचन है कि जीव केवल मेरी शरण में आ जाए। आइए इस श्लोक पर विचार करते हैं, इसे हम भगवत शरणागति कहते हैं। इसकी जो पहली पंक्ति है सर्वधर्मान परित्यज्य, शाब्दिक अर्थ तो यह है कि सभी धर्मों को छोड़ करके, लेकिन इसका शास्त्रों में अर्थ किया गया है कि समस्त आश्रयों को छोड़ करके। यहां धर्म शब्द का अर्थ आश्रय है। जिस जिस का जीव को भरोसा है उसका भरोसा छोड़ करके अगर जीव केवल भगवान की शरण में चला जाता है तो फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे जीव का मैं उद्धार कर देता हूं। बस शर्त एक ही है कि जब तक जीव को संसार का भरोसा रहता है तब तक जीव भगवान की शरण में जा नहीं पाता, क्योंकि इसका कारण यह है कि मनुष्य के पास एक मन है और एक बुद्धि है। समर्पण शरीर का नहीं करना, समर्पण मन और बुद्धि का करना है। हमारा मन कहां लगता है, हमारी बुद्धि कहां लगी हुई है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मय्यो मन आदत्सो मयि बुद्धिम निवेशयत्।
अर्जुन अपने मन को भी मेरे में लगा दे और अपनी बुद्धि को भी मेरे में लगा दे। लेकिन यह जीव इतना दुष्ट है, ऐसे भगवान पर भरोसा नहीं करता और संसार पर भरोसा करता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अनर्थ होगा। पितामह ने भी अपनी दृष्टि नीचे कर ली। अब द्रौपदी को किसी का भरोसा नहीं रहा। उसे कन्हैया की याद आई और उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और कन्हैया को पुकारा, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी जगतपति, हे कन्हैया तू कहां है। भगवान को विलंब नहीं लगा, भगवान को देर नहीं लगी, भगवान तत्काल वहीं। वो तो उन्हें कहीं से आना थोड़ी था। ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान न रहते हो, कहो तो कहां जहां प्रभु नहीं। द्रौपदी के पुकारने में विलंब हुआ, भगवान के आने में विलंब नहीं हुआ, सो भगवान वहीं प्रकट हो गए। और इसके बाद भगवान ने जो किया वो आप सब जानते हैं। लेकिन भगवान ने कब किया, जब द्रौपदी ने सबका भरोसा छोड़ करके केवल और केवल भगवान का भरोसा किया। देखो, जीव संसार का भरोसा करता है। संसार में पहले तो व्यक्ति जीव का कल्याण कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। अगर सामर्थ्य हो तो उसमें शक्ति नहीं है। अगर उसमें शक्ति भी मान ली जाए, सामर्थ्य भी मान ली जाए, तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक स्वार्थ की वृत्ति कार्य कर रही है। वो पहले अपना स्वार्थ पूरा करता है और फिर किसी और की बात करता है। गजराज को जब तक अपना भरोसा था, जब तक अपने बल का भरोसा था, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जब उसके परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके बच्चे, उसकी पत्नियां जो हथनियां थी, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया और गजराज निपट अकेला रह गया, तब उसे भगवान की याद आई। और जिस सरोवर में गजराज था, उसी सरोवर के एक कमल को निकाल करके उसने भगवान की ओर फेंका और भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान ने गजराज की रक्षा किया। तो जीव को होना चाहिए भगवान का भरोसा। अच्छा, भगवान का भरोसा कैसा होना चाहिए? रामचरितमानस में प्रसंग आता है
कि रावण ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी, अंगद को अच्छा नहीं लगा। अंगद ने वही प्रतिज्ञा कर दी, जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। रावण अपने बल का बखान कर रहा था, मैं चलता हूं तो पृथ्वी डोलती है। अंगद ने कहा, तू चलने की बात करता है, मैं जिनका सेवक हूं उनके छोटे भाई जब बोलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। रावण ने कहा, बहुत झूठ बोलता है। अंगद ने कहा, चल मैं तेरे को बल दिखा देता हूं। मेरे पास तो अपना कोई बल नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु कितने बलवान हैं, उनका बल पा करके मैं तेरी इसी सभा में सबके सामने मैं अपने चरण स्थापित करता हूं, अब तू इन्हें उठा करके दिखा। अब जरा विचार कीजिए, अंगद के मन में भगवान के बल के प्रति, भगवान के प्रति कितना भरोसा होगा। जिस सभा में रावण जो जगत विजयी था उस समय पर, ऐसे रावण के सामने अंगद कहता है, कितनी बड़ी बात कह दी अंगद ने, कि जो मम चरण सकस सठ टारी, तो फिर ही राम सीता में हारी। अगर तू मेरे पैरों को उठा देता है तो इस पैर के उठाने से राम जी वापस लौट जाएंगे और सीता जी मैं यहीं हार जाऊंगा। गोस्वामी जी महाराज दोहावली रामायण में लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता तेही समाज की वो कठिनपन, अंगद किस सभा में प्रतिज्ञा करता है। उस सभा में प्रतिज्ञा करता है जहां रावण बैठा है, कुंभकर्ण बैठा है, मेघनाद बैठा हुआ है। तो रावण और मेघनाद जैसे बड़े बड़े योद्धा, और उन योद्धाओं के सामने प्रतिज्ञा करता है, तेही समाज की वो कठिनपन, जही तोल्यो कैलाश, जो रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता है वो रावण के अंगद के पैर को नहीं उठा सकता। लेकिन निश्चित रूप से अंगद इस बात को जानता है कि यह मेरे पैर को नहीं उठा पाएगा। तेही समाज की वो कठिनपन, जही तोल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहूं कि सेवक को विश्वास। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं भगवान की महिमा का बखान करूं कि अंगद के विश्वास का बखान करूं। जीव के मन में जब भगवान के प्रति ऐसा विश्वास होता है, ऐसा अचल विश्वास होता है, अडिग विश्वास होता है, तो फिर भगवान उसका कल्याण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। सो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, जब तक तू किसी दूसरे का भरोसा करेगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। जब तू सबका भरोसा छोड़ करके केवल और केवल मेरा हो जाएगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, यहां पर एक शब्द बड़े काम का है, क्योंकि भगवान एक है, जीव अनेक है। वेद का मंत्र है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वह परमात्मा कैसा है? वह एक है। उस एक परमात्मा की शरण में जीव को जाना है। वो कौन सा परमात्मा है, उसका स्वरूप क्या है जिसकी जीव शरण ग्रहण करे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया आप तो मेरे सामने खड़े हो, तो मैं आपकी शरण में होता हूं, लेकिन संसार के जो जीव हैं उन सारे जीवों को तो आप मिलने वाले नहीं हो, वे जीव किसकी शरण में जाएं? भगवान ने बताया कि मैं कहां कहां रहता हूं। उसी भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं सबके हृदय में रहता हूं। और इसी श्लोक के ठीक बाद में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और यह समझने की बात है,
हम मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन करते हैं, मंदिर में भी भगवान है, क्योंकि जो भगवान सब जगह है वो मंदिर भी में भी है। लेकिन भगवान का जो साक्षात स्वरूप है वो कहां रहता है? भगवान का साक्षात स्वरूप हम सबके, केवल मनुष्य के नहीं, प्राणी मात्र के हृदय प्रदेश में भगवान निवास करते हैं। तमेव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। अब जरा इस पर विचार करिए, हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाहर के वस्त्रों को देखते हैं, हम वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान करते हैं। जिसके वस्त्र जैसे हैं वह व्यक्ति वैसा है। अगर वस्त्र से थोड़ा अंदर प्रवेश किए तो शरीर को देखते हैं, उसके वर्ण को देखते हैं, ये किस जाति का है यह देखते हैं, इसके पास धन कितना है यह देखते हैं। अगर कोई धनिक है तो धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन वस्तुओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी की जाति कौन सी है इससे प्रभु का कोई नाता नहीं। वह किस कुल का है, उसका धर्म कितना है, उसका यश कितना है, उसके पास धन कितना है और उसके पास बल कितना है, इन सबसे प्रभु का कोई लेना देना नहीं। राम जी ने माता सबरी से कहा, राम कहा सुनु भामिनी दाता, मानव एक भगति कर नाता। मां मैं तो केवल भक्ति का नाता जानता हूं, और भक्ति माने प्रेम। यह जो जीव के अंदर प्रेम है, इस प्रेम को वह दूसरे जीव के हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है उसके साथ जोड़ दे। अपने इन्हीं नेत्रों के द्वारा जब वह किसी व्यक्ति को देखे तो उसे व्यक्ति दिखाई ना दे, उसे उसकी जाति भी दिखाई ना दे, उसे उसकी उसका वर्ण, उसका कुल, उसका गोत्र, ये सब ना दिखाई दे, उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा दिखाई दे और उसी परमात्मा के प्रति वो समर्पण कर दे। अब आप जरा विचार कीजिए, अगर हम प्रत्येक जीव के अंदर उसके हृदय में झांक करके देखें तो हमें कौन दिखाई देगा? वहां बैठे हुए हमें भगवान दिखाई देंगे, उन्हीं भगवान के प्रति तो समर्पण करना है। और यदि प्रत्येक जीव के अंदर बैठे हुए परमात्मा का हमने दर्शन कर लिया
तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि हैं, ये तो अपने आप विलीन हो जाएंगे। क्योंकि फिर आप किससे, किस पर काम और किस पर क्रोध, किस पर लोभ, क्योंकि फिर आपके अंदर लोभ की एक नई भावना जागृत होगी। फिर आप लोभी तो होंगे, लेकिन भगवान के लोभी होंगे, भगवान को पाने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि इस संसार में जड़ चेतन दोनों रूपों में, वो जड़ हो अथवा चेतन हो, कौन है, दोनों रूपों में केवल परमात्मा और परमात्मा ही है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और यह संसार मिथ्या है। तो सत्य तो वही एक परमात्मा है। देखो, सत्य शब्द का अर्थ होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना आवे। शरीर बदलता है, इंद्रियां बदलती हैं, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, लेकिन हृदय के अंदर बैठा हुआ जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व में जिसकी हम के रूप में अनुभूति होती है, बुद्धि में यही स्थापित हो जाए कि मैं तो सेवक हूं और सचराचर रूप स्वामी भगवंत और संसार में चर और अचर जो कुछ भी है, जड़ चेतन, वो सब परमात्मा का रूप है। यहां यह बात नहीं है कि कौन मुझसे छोटा है और कौन मुझसे बड़ा है, कौन मेरे परिवार का है और कौन मेरे परिवार का नहीं है, कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। मैं जो कुछ भी देखता हूं, वो जड़ हो या चेतन हो, वो परमात्मा का रूप है। और यदि यह सब कुछ परमात्मा का रूप है, जैसा कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिय राम में सब जग जानी, वो कहते हैं मैं संसार में जब किसी माता का दर्शन करता हूं तो उस मां में मुझे श्री किशोरी जी का दर्शन होता है, जब किसी पुरुष का दर्शन करता हूं तो मुझे श्री राघवेंद्र सरकार का, राम जी का दर्शन होता है। तो जिसे संसार की प्रत्येक स्त्री में श्री सीता का दर्शन होता है और प्रत्येक पुरुष में परमात्मा का, भगवान श्री राम का दर्शन होता है, ऐसा जो भगवान का भक्त है वह तो 24 घंटे साधना कर रहा है और 24 घंटे प्रभु का दर्शन कर रहा है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि आपके भगवान हैं, गोस्वामी जी ने कहा इसमें कोई संशय की गुंजाइश है?
बोले तो दिखाई क्यों नहीं देते। तक वाणी बोल रही है, नेत्र देखने का काम कर रहे हैं, श्रवण सुनने का काम कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, मन मनन करने का काम कर रहा है और बुद्धि निर्णय करने का काम कर रही है, कर्मेंद्रियां भी अपने अपने काम कर रही हैं। और अगर वो थोड़े समय के लिए इस शरीर से अपना संबंध हटा ले तो यह शरीर कैसा हो जाएगा। एक संत ने लिखा, घर के कहें बेग ही काढ़ो, जब तक कोई भगवान है तब तक ये शरीर काम का है, तब तक इस शरीर की पूजा होती है, तब तक इस शरीर से प्रेम होता है। तो क्या शरीर से प्रेम होता है? या शरीर तो अभी भी है। तारा से राम जी ने यही तो कहा था, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा, अगर तू शरीर से प्रेम करती है तो शरीर तो बालिका तेरे सामने पड़ा हुआ है। प्रकट सो तन तब आगे सोवा, प्रभु जीव नहीं है इसमें। तो बोले, जीव नित्य वो तो मेरे में मिल गया, और यदि मेरे में मिल गया तो अब तारा को किसकी पूजा करनी चाहिए? तारा को भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस अंश अपने अंशी से मिल गया बस, अंश अभी तक अंश की पूजा कर, अंश की पूजा करते समय भी व्यक्ति को अंशी को नहीं भूलना चाहिए। सो भगवान कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने बहुत पाप किए। भगवान ने कहा, कितने भी पाप किए हो? गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। संसार के सारे पापियों को इकट्ठा करो और सारे पापियों में से एक पापी को निकालो जो सबसे बड़ा पापी हो। यदि तूने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है कि तू संसार का सबसे बड़ा पापी है, ये अर्जुन के लिए नहीं, ये जीव मात्र के लिए आश्वासन है। अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, तो भी मैं तुम्हारा उद्धार करने की सामर्थ्य रखता हूं। इसी बात का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में अनुवाद किया, जो नर होय चराचर द्रोही, आवय सभय शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छलनाना, करम सद्य ते ही साधु समाना। सद्य शब्द का अर्थ होता है तत्काल, मुझे अधिक समय नहीं लगता। देखो, ये जो पाप है ये तो रुई के पहाड़ के जैसा है, और भगवान कैसे हैं? भगवान ज्ञान स्वरूप है,
भगवान अग्नि स्वरूप है। यह जो सूर्य में अग्नि है ये कहां से आई, सूर्य में जो दाहकता है ये कहां से आई, ये भगवान से ही आई, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। पाप मनुष्य के अंधकार के समान है, भगवान सूर्य के समान है। सो अंधकार को नष्ट करने में सूर्य को जितना समय लगता है, इससे भी कम समय भगवान को जीव के पापों को नष्ट करने में लगता है। लेकिन शर्त वही है, भगवान कहते हैं यह जीव है तो मेरा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव किसका अंश है, भगवान का अंश है। सो जो जो गुण भगवान में हैं, जो जो विशेषताएं भगवान में हैं, वे सब की सब विशेषताएं जीव में हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसे समुद्र का जल आप एक लोटे में लेकर के आइए, अब लोटे में जो जल है किसी प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करिए, और फिर समुद्र में जा के जल को लेकर के समुद्र के जल का परीक्षण करिए, तो जो गुण, जो धर्म, जो विशेषताएं, जो अच्छाइयां समुद्र के जल में होंगी वही तो लोटे के जल में होंगी। क्यों? क्योंकि यह जो लोटे का जल है यह समुद्र के जल का ही अंश है। सो अंश और अंशी में रंचमात्र अंतर नहीं होता। अगर अंतर है तो वो मिलावट का है। यह जो लोटे का जल है इस जल में मिला दीजिए कुछ, ये जल विकृत हो जाएगा। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, समुद्र का जल विकृत हो सकता है, उसमें मिलावट हो सकती है, लेकिन यह जो भगवान का अंश है जीव, इसमें मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि यह इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। कैसे? जैसे आकाश में कोई मिलावट नहीं हो सकती, आकाश में आप क्या मिलावट कर सकते हैं? चलिए आकाश में आप धूल फेंकिए तो क्या आकाश गंदा हो गया? आकाश में आप जल फेंकिए क्या आकाश गीला हो गया? गुलाल आदि रंग फेंकिए तो क्या आकाश रंगीन हो गया? तलवार को लेकर के आकाश में चलाइए और आकाश को काटने का प्रयास कीजिए तो क्या आकाश कट जाएगा? जिस प्रकार से इन वस्तुओं का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह से हमारे अंदर हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है वह सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसीलिए वह सब जगह रहता है। रामचरितमानस में जब प्रश्न हुआ कि भगवान कहां रहते हैं, और सारे देवताओं की नजर भोलेनाथ भगवान शंकर पर पड़ी, और उन्होंने शंकर जी से पूछा कि आप बताइए कि भगवान कहां रहते हैं, तो शंकर जी को हंसी आई और शंकर जी ने कहा कि आप पूछते हो कि भगवान कहां रहते हैं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं कि भगवान कहां नहीं रहते हैं। कहो तो कहां जहां प्रभु नाहीं, अग जग में सब रहित विरागी, वो परमात्मा सब जगह रहते हैं। जो परमात्मा सब जगह रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, समदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, वही भगवान कह रहे हैं। और जीव की केवल दृष्टि बदले तो उसकी पूरी की पूरी सृष्टि बदल जाएगी। देखो राम जी आए तो राम जी ने क्या सृष्टि को बदलने का प्रयास किया? नहीं, लोगों की दृष्टि को बदलने का प्रयास किया, भाव को बदलने का प्रयास किया, मनुष्य के अंदर का भाव कैसा होना चाहिए। क्योंकि जहां भगवान रहते हैं, भगवान कहां रहते हैं, भगवान रहते हैं हृदय में, और हमारे अंदर भाव कहां रहता है? भाव ही रहता है हृदय में। सो हमारे शब्दों से अर्थ और अर्थ से भाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे मन का भाव पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए,
तो हमें सब जगह उसी परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। सो ऐसे भगवान का दर्शन होवे, ऐसे भगवान के प्रति हमारा समर्पण होवे, इसके लिए क्या आवश्यकता है? इसके लिए आवश्यक है भगवान को भगवान के रूप में समझना, भगवान के स्वरूप को समझना, भगवान है कैसे। और भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। देखो भगवान ने यह नहीं कहा कि अर्जुन मैं तुम्हें तुम्हारे पुण्यों से भी मुक्त कर दूंगा, नहीं, तुम्हारे पुण्य तुम्हारे, तेरे पुण्य तेरे और तेरे पाप मेरे। मनुष्य पापों से ही तो डरता है, क्योंकि पाप का फल होता है दुख और पुण्य का फल होता है सुख। तो भगवान ने कहा भाई पुण्य के बदले तू अपने सुख भोग, तेरे पाप मैं ले लेता हूं। भगवान कितने कृपालु हैं। और ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान की मूर्ति कैसी है, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान का स्वरूप है कृपा, भगवान का स्वरूप है करुणा, भगवान का स्वरूप है दया, भगवान का स्वरूप है प्रेम। ये जो उदात्त भावनाएं हैं, ये जो कोमल भावनाएं हैं, यही तो है भगवान। और ये सारी की सारी भावनाएं कहां से प्रकट होती हैं? ये हमारे हृदय से प्रकट होती हैं, क्योंकि भगवान वहीं बैठे हुए हैं। जब भी हम कोई गलत काम करने चलते हैं, हमारे हृदय में बैठा हुआ कोई है जो हमें प्रथम दृष्टया मना करता है, ये काम मत करो। लेकिन हमारा मन खराब होने के कारण, हमारी बुद्धि खराब होने के कारण, इनमें रजोगुण होने के कारण और तमोगुण होने के कारण हम उस भाषा को सुन नहीं पाते, और अगर सुनते हैं तो समझ नहीं पाते, और अगर समझ लिया तो वैसा कर नहीं पाते।
गुरु जी के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया कि यदि हम भगवत शरणागति में जाते हैं तो भगवान हमारी शरणागति को स्वीकार करते हुए हमें सब पापों से मुक्त कर सकते हैं, मुक्त करते हैं, करेंगे। इस विश्वास के साथ आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।